सो है फ्रेंड, तो आज हम आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके दिखाएंगे, वो भी फुल्ली HD क्वालिटी में, अल्ट्रा स्मूथ, कि आप कितना भी जूम करो आपकी फ़ोटो फटेगी नहीं। आप देख सकते हो इस टाइप की फ़ोटो मैंने एडिट किया गया, बहुत OP लग रही है और काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में। यदि आप ये फ़ोटो एडिटिंग सीख के अभी इंस्टाग्राम या कहीं पर भी अपलोड करोगे ना गाइज, तो आपकी फ़ोटो एडिटिंग काफ़ी अच्छी होगी और आपके बहुत सारे लाइक्स आने लगेंगे, ठीक है। और ये फ़ोटो एडिटिंग काफ़ी सिंपल है गाइज, यदि आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो ना गाइज, तो ये 4-5 मिनट की वीडियो आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता भाई, 2 ही ऐप से एडिट करना पड़ता है, वो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल मिलेगा इस फोटो एडिटिंग का। तो गाइज, आप में से बहुत से लोग के कमेंट आते थे कि गाइज मैं ये फोटो एडिटिंग नहीं समझ पाता, तो गाइज आप में से बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं, वो गलती ये है कि गाइज जब भी आप हमारी वीडियो देखते हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखते हो, इसीलिए आपको फोटो एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए गाइज मैं बोलूँगा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, एक एक स्टेप को देखो, तभी जाकर आपकी फोटो एडिटिंग अच्छे से हो पाएगी। तो गाइज ये फोटो एडिटिंग काफ़ी ही सिंपल है, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑल इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज एम है 300 लाइक का। मुझे पता है आप लोग 300 से ज़्यादा ही लाइक करा दोगे, ठीक है। तो गाइज ये फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़े, मतलब इसको आपको कैसे भी शूट कर लेना है। देख सकते हो ये हमारी नॉर्मल फोटो है, इसको हम आपको एडिट करके दिखाएंगे। तो गाइज इसको मतलब शूट करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी DSLR वगैरह की, आप सिंपल मोबाइल के कैमरा से ही जूम करके फेस की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं एडिटिंग। तो गाइज इससे पहले आप अच्छे से पूरी वीडियो देखो समझो, फिर फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम जाते हैं, पहले फर्स्ट वाली इस फोटो को लेते हैं और शेयर करते हैं अपनी स्नैपसीड में, ठीक है। तो स्नैपसीड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइज फोटो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ ना, तो आपको सबसे पहले सीख के सबसे पहले आप अदर्स ऐप पे अपलोड करके अच्छे खासे लाइक्स कमा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो इससे पहले भी मैंने ब्लड PNG वाले पे फोटो एडिट ऐसे अपने मतलब यूट्यूब पे बनाया था फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आप लोग ने दिए हैं, जो कि भाई 40,000 व्यू है आप, जो कि हम लोग के छोटे यूट्यूब के लिए बहुत होता है गाइस, ठीक है। तो ऐसे ही प्यारा सपोर्ट बने रहे दोस्तों, और इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, वो भी एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से, जो आपको पूरे यूट्यूब पे गाइस हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप सर्च करके देख सकते हो इस मोबाइल मतलब इस यूट्यूब चैनल पे ना, आपको एक सिंपल से एंड्रॉयड मोबाइल से ही फोटो एडिटर बना दूंगा, वो भी 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो इस पे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस हैं और आपका प्यारा सपोर्ट बना रहता है, तो गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर दे। तो गाइस इसको हम क्या करते हैं, देख सकते हो हमारे नॉर्मल फोटो किस टाइप की है। तुम जाते हैं टूल्स वाले ऑप्शन में, ट्विन इमेज में जाएंगे और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, तो एम्बियंस में जाएंगे और इसको फुल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ हाईलाइट में जाएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद डन पे क्लिक करते हैं, फिर से ट्विन इमेज में जाएंगे और शैडो को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। शैडो को इंक्रीज कर लेंगे, इतना करने के बाद गाइस हम डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसको हम देख सकते हो गाइस हमारी फोटो की स्टेप भी बन चुकी है। उसके बाद इसको हम शेयर करते हैं अपने Lightroom में, तो गाइस Lightroom का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सिंपली हम Lightroom ओपन करते हैं, तो Lightroom ओपन करने के बाद गाइज हमारी फ़ोटो जो है कुछ इस तरह से आ चुकी है, जो कि देख सकते हो ये रही हमारी फ़ोटो। तो गाइज ये फोटो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा ही सिंपल है, आप यदि इस फोटो के बारे में देखोगे ना, तो और लास्ट में गाइज आप अच्छे से सीख जाओ, आप लास्ट में देखना कितनी अच्छी फ़ोटो लगती है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में, यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा पीछे करेंगे, ठीक है। एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हाईलाइट पूरा माइनस कर देंगे, देख सकते हो। शैडो थोड़ा इंक्रीज करेंगे, वाइट पीछे, ब्लैक भी पीछे, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देख सकते हो आप, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में, मिक्स वाले में जाएंगे, यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, अब हम अपने फेस को वाइट करेंगे, ठीक है। देख सकते हो हमारे पीला पीला टाइप का दिख रहा है, हम क्या करेंगे सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करेंगे, लुमिनस फुल इंक्रीज, ठीक है। देख सकते हो हमारी फ़ोटो किस टाइप की बन चुकी है। उसके बाद हम इतना पर रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे ग्रीन वाले येलो वाले ऑप्शन में, हुई और सेचुरेशन पूरा माइनस। उसके बाद इस कलर में भी जाएंगे, ग्रीन में ग्रीन के हुई सेचुरेशन पूरा माइनस करेंगे,
जितने भी कलर हैं उसके बाद सबकी सेचुरेशन हुई को माइनस करते जाएंगे गाइस, और जितने भी कलर आपको है सबको कर देना ठीक है। उसके बाद गाइस हम डन पे क्लिक करते हैं और हमारी फोटो देख सकते हो अभी किस टाइप की लग रही है, और हमारी होट भी मतलब होट भी हमारी बकवास हो चुकी है ठीक है। क्या करें, सिंपली जाएंगे यहाँ पे सेलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे, फोटो को जूम करेंगे और इस वाले टूल में जाके ब्रश करेंगे और अपनी होट बनाएंगे ठीक है। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में और यहाँ से देखो आ चुकी है पिंक। उसके बाद टेंट को पीछे कर देंगे, देखो जितना उनका पीछे करेंगे और यहाँ से हम ऐसे करके डन कर देंगे तो हमारी फ़ोटो की देखो अभी तक हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, क्लियरिटी बढ़ाएंगे थोड़ा सा ठीक है, और विगनेट पीछे करेंगे इतना पे। उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट पूरा मिलाएंगे और फैदर इंक्रीज कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा ठीक है। विगनेट उससे भी ज़्यादा कम करेंगे, इसको भी हम मिलाएंगे ठीक है। और उसके बाद रिड्यूस जो है इसको हम थोड़ा घटा लेंगे तो इतना फोटो दिखने में लगने लगेगा ठीक है। उसके बाद गाइस हम इसको क्या करेंगे, इसको हम शेयर करेंगे अपनी ऑटो डेस्क में जहाँ से अपनी फेस वाइट करेंगे ठीक है। तो ऑटो डेस्क में उसको शेयर करते हैं और गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा आप कैसे फेस वाइट करना है सब कुछ इसमें ठीक है। तो आराम से वीडियो देखो और समझो तभी जाके आपको फोटो एडिटिंग अच्छे इम्प्रूव हो पाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद हम ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे, देख सकते हो इसका फॉलो स्ट्रेंज कितना कितना रखेंगे ठीक है। ठीक है यहाँ पे इसको फॉलो 4 रख लेंगे, स्ट्रेंज 3 और साइज अपने हिसाब से ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखो ब्रश कर रहे हैं और हमारी फोटो स्मूथ हो रही है ठीक है गाइस। तो इस टाइप से हम अपनी फ़ोटो को स्मूथ करते हैं ठीक है। तो उसके बाद साइज को थोड़ा बढ़ावा के घटा के ठीक है आराम से अच्छे से कर लेना है तभी जाके आपकी फ़ोटो अच्छी रहेगी। और जहाँ जहाँ भी काला धब्बा आ रहा है ना गाइस उसको भी हम सही करेंगे, बट पहले हम स्मूथ कर लेते हैं ठीक है। तो वो यहाँ पे हम अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं तभी जाके हमारी फ़ोटो अच्छी लगेगी दिखने में, नहीं तो स्मूथिंग पे ही तो अपनी फ़ोटो अच्छी लगती है गाइस ठीक है। नहीं तो फोटो पूरा जैसे ही 2-3 ऐप में जाते हैं वैसे फटने लगता है, तो आपकी फ़ोटो अब नहीं फटेगी ठीक है। जितना भी जूम करोगे फिर भी इस क्योंकि स्मूथिंग जब करोगे अब अच्छे से तो आपकी फ़ोटो फटने की फट ही नहीं सकते जितना भी आप जूम कर लो ठीक है। उसके बाद आइस के नीचे भी हम थोड़ा चला देंगे और साइज बढ़ा के यहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत चला लेंगे ठीक है। उसके बाद गाइस अच्छे से आप यहाँ से मिला मिला कर लेना ठीक है, साइज कम करके ज़्यादा करके अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ से हम डन पे क्लिक करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं ठीक है। इसके बाद इसको सेव करने के बाद इसको हम फर्स्ट ओपन करेंगे स्नैपशीट में, तो इस वो फोटो जो हम अभी एडिट किए हैं उसको ले लेते हैं अपने स्नैपशीट में ओपन करेंगे और इसको स्नैपशीट में थोड़ा सा ओपन करते हैं ठीक है। स्नैपशीट में ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट टूल्स में जाएंगे और सेलेक्टेड टूल का यूज़ करेंगे और जहाँ पे हमको ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे हम वाइट करेंगे ठीक है थोड़ा सा। उतना करने के बाद डन करेंगे, इसके बाद फिर से शेयर करेंगे उसको लाइट रूम में और तो अपनी फेस थोड़ी सी वाइट करेंगे, वहाँ से ग्लो करेंगे जो कि ग्लोइंग होता है जो कि दिखने में काफ़ी ऑसम लगेगा ठीक है। तो हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो लाइट रूम हम शेयर करते हैं अपनी फ़ोटो, उसके बाद लाइट रूम ओपन करते हैं यहाँ से तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है, देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। लेकिन अब इस पर हम ग्लोइंग लाएंगे ठीक है, अभी ग्लो नहीं हुआ हमारी फ़ोटो। तो हम जाएंगे फिर से यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में, मिक्स वाले ऑप्शन में ऑरेंज टूल सेलेक्ट करेंगे, लुमिनेज इंक्रीज करेंगे ठीक है।
नॉमिनेज इंक्रीज करेंगे तो देख सकते हो हमारी फोटो ग्लो करने लगी है। सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देंगे और डन करेंगे। उसके बाद लाइट में जाएंगे, हाईलाइट थोड़ा माइनस कर लेंगे, ठीक है, हाईलाइट वाइट भी थोड़ा। उसके बाद देखो गाइस हमारी फ़ोटो टोटली कितनी और सुंदर है। देखो पहले कैसी थी अब कैसे दिखने में लग रही है। उसके बाद यहाँ पे हम गाइस शैडो थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ही कंप्लीट हो चुकी दिखने में, जो कि काफ़ी ऑसम लग रही है। हम आपको अच्छे से दिखा दें, ठीक है। देखो काफ़ी ऑसम लग रही है ना हमारी फ़ोटो दिखने में। उसके बाद क्या यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाता है, हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस टाइप की फोटो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा ही ट्रेंडिंग है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।